मैं देसी फीड के सभी दर्शकों को होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों का कि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। ऐसे ही प्यार देते रहिए और आप सब लोग होली खेलिए, लेकिन बहुत सुरक्षित होली खेलिए, सेफ होली खेलिए, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस का भी प्रॉब्लम है। और तो आप पानी के साथ कम होली खेलें, पानी सेव करें, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी का लेवल कम होता जा रहा है। बाहर स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको रंग ना लगाएं, पानी ना डालें। तो बस खुशी बांटने का त्यौहार है, तो खुशियां बांटें और खूब दबा के खाइए जो मन करे। मेरे बीवी की होली में क्या अड़चन है, घर पे वापस आता तो कभी लाल पीला नीला ये सब रंग पूरी बॉडी पे लगा होता था, थप्पड़ भी मारती थी प्यार से, ये क्या तेरे से बोला था ना कि नहीं करने का। एक तेरे से ज्यादा होली मैंने खेली, तो वो कंपटीशन हुआ करता था बच्चों के बीच में। मैंने ब्रांडी पिला दी थी हमें एक एक चम्मच, मुझे और मेरे भाई को। 6:30 से लेके 12-1 बजे तक हम सिर्फ खा रहे थे और हम कह रहे खाना जा कर रहा है भाई, अभी भी भूख लग रही है और हम सिर्फ हंस रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ऊपर से दूसरा कोरोना वायरस का बहुत पंगा आ रहा है इस बार, तो मुझे लगता है कि होली इस बार बहुत ज्यादा इतनी अच्छी नहीं लोग मनाएंगे, बहुत सारी होली कैंसिल भी हो रही है। बचपन की तो मेमोरीज हैं वो अभी मिस करते हैं हमेशा, बचपन की मेमोरीज तो आप समझ सकते हैं कितना मिस करते हैं। मम्मी मैं छोटा था, 5th 6th, मतलब इतना छोटे, मतलब मैं बहुत होली खेलता था, मुझे इतना मज़ा आता था, मैं वेट करता था होली कब आएगी और मैं खेलूंगा उस दिन। मैं सुबह 7-7:30 बजे निकल जाता था होली खेलने के लिए और मम्मी बोलती थी रंग से होली नहीं खेलनी है, साफ हो साफ वापस आना, और मैं हंसता था और निकल जाता था। और वहाँ पर क्वार्टर्स हुआ करते थे छोटे छोटे, और पूरी एक लेन थी, पूरी लेन में खेलता था हर जगह जाके, पानी से रंगों से पक्के रंग से खेलते थे। और घर पे वापस आता तो कभी लाल पीला नीला ये सब रंग पूरी बॉडी पे लगा होता था, और फिर मम्मी बोलती थी अभी ये क्या कराया, फिर नहलाती थी मम्मी, साफ करती थी और फिर थप्पड़ भी मारती थी प्यार से, ये क्या तेरे से बोला था ना कि नहीं करने का। तो वो मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग स्कूल जाते थे और स्कूल जाने के बाद बोलते थे देख तेरे से ज़्यादा होली मैंने खेली, तो वो कंपटीशन हुआ करता था बच्चों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा मिस होता है और वो बहुत बहुत अच्छी यादें हैं। एक बार की हाँ वो वाली याद तो मैं एक्चुअली बताया नहीं, भूल गया। मैं शायद होगा 5th या 6th में, और उस टाइम होली पे थोड़ी सी ठंड हो गई थी, तो मम्मी ने एक चम्मच में कुछ पिलाया हम लोगों को, मम्मी ने ब्रांडी पिला दी थी हमें एक एक चम्मच, मुझे और मेरे भाई को। उस दिन जो हम लोगों ने डांस किया है, ओ हो हो हो, मतलब हम रुक ही नहीं रहे हैं, हमें याद नहीं मतलब क्या है, बट इतना याद है कि इतना डांस किया हम लोगों ने लाइफ में, उस उम्र में शायद सबसे ज़्यादा डांस किया होगा हम लोगों ने। तो मैं और मेरा भाई दोनों लगे पड़े थे, भैया तो फिर भी बैठ गया था, मैं लगा ही हुआ था, म्यूज़िक चलाया और बस डांस ही करे जा रहा हूँ। एक तो वो बहुत अच्छी याद है, और मेरी और परी की साथ में बहुत अच्छी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन एक याद ये है कि हमने गलती से भांग वाली ठंडाई पी ली थी, हमें पता नहीं था। घर वापस आए तो थोड़ा सिर घूमना शुरू हुआ और उस ठंडाई में सिर घूमना शुरू किया, हमने कहा भाई भांग हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई है। हम पहले हंसे जा रहे हैं, कुछ भी चल रही है बातें, हंसे जा रहे हैं, थोड़ी देर सो गए। उसके बाद 6:30 बजे के आसपास भूख लगने लगी, हमें उठे सो के। हमने पूरे 6:30 से लेके 12-1 बजे तक हम सिर्फ खा रहे थे, हर रेस्टोरेंट से हर क्विजीन हम लोगों ने मंगा लिया और सिर्फ खा रहे थे उस दिन। उसके बाद डेजर्ट खाई और हम कह रहे खाना जा कर रहा है भाई, अभी भी भूख लग रही है, और हम सिर्फ हंस रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो वो मेमोरी बहुत अच्छी है। इस बार एक तो परी का इवेंट है, वो इवेंट करने जाने वाली हैं, और जब वो वापस आएंगे तो डेफिनेटली हम लोग होली खेलेंगे, बट अभी ऐसी होली नहीं खेलते हम लोग, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को रंग से गुलाल से खेलते हैं हम लोग। और ऊपर से दूसरा कोरोना वायरस का बहुत पंगा आ रहा है इस बार, तो मुझे लगता है कि होली इस बार बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लोग मनाएंगे, बहुत सारी होली कैंसिल भी हो रही हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। नहीं भाई घर में होली में क्या अड़चन है भाई, मेरे और बीवी की होली में क्या अड़चन है, हम कुछ फ्रेंड्स को बुला लेंगे और घर पे होली खेलेंगे, और लेकिन हम होली खेलेंगे परी के वापस आने के बाद।